शरीर इसी अमृतसर का पैदा हुआ है यहीं पर बहुत जल्दी महात्माओं का सत्संग का ये सौभाग्य खुल गया था और फिर किसी संत से ये सुना कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब हरमंदर साहब में मैं गई और हाथ जोड़ के और सर झुका के कहा ये गुरु रामदास अपना रखी अपने चरणों में रखी सुमिरन वाली हूं मन भक्ति मन ज्ञान की इस अमृत को पिए ये जिंदगी कहीं उस अन्न जले दीपक की तरह फूट न जाए जिस दीपक को दिवाली की रात सब दिए जल गए और इस किस्मत मारे दीपक को कोई जला नहीं भूल गया था वो बिना जले दीपक पड़ा रह गया सुबह हो गई जले हुए सब दीपकों को जब हटाया गया तो ये दीपक जो जला नहीं था नया कोरा था जला नहीं था इसको भी उठा के कूड़े में फेंक दिया गया उसका मौका हाथ में आया ही नहीं वो चला ही नहीं वो बिना जले ही खत्म हो गया ये गुरु की प्रभु की कितनी कृपा है कि हम मानव बन के आए हैं मनुष्य जन्म है मनुष्य जन्म दिया यह तेरी कृपा है ये हमारी चॉइस नहीं है प्यारे कुत्ता बिल्ली घोड़ा डंगर बन जाते तो क्या करते तुम कबीर साहब कहते चार पैर दो सिंह एक पूछ होए तब क्या राम सिमरेगा ऐसे सिमरेगा राम को तब ना राम सिमरिया जाएगा हम मानव है ये कृपा है परमात्मा की तो जब कोई ना साढ़े तरब मेर नहीं करता ये झूठी बात है हाँ तू कुत्ता बिल्ली भैंस बनता तो कह सकता है हम पे मेर नहीं हुई तो इंसान है मनुष्य है श्रेष्ठ है विद ग्रेट ब्रेन इन ग्रेट कैपेसिटी टू ग्रो दैट इज वॉट अमन बींग इज वो तुम हो बस मन को सही लाइन में लगाने की जरूरत है आइए तब लगती है जब ज्ञान को श्रवण करता है जब ज्ञान मिले तो मन का अज्ञान दूर होता है और जब मन का अज्ञान दूर होता है यह अज्ञान का पर्दा उठते ही अंदर बैठा साहिब प्रकट हो जाता है और जिसको आप साहिब मिल गया उसे और क्या चाहिए पॉइंट यह है कि तुम दुनिया में ही खुश रहोगे कि दुनिया के उस मालिक से भी कुछ दिल के तार जोड़ना चाहोगे फिर कह दू दुनिया की इस बाजार में चमक है खूब चमक है पर यह चमक मिट जाती है बुझ जाती है ये ऐसे है जैसे अंधेरी रात में कोई फुलझड़ी चला दे ना तो एक बार लगता आहा रोशनी हो गई पर जल्दी ही फुलझड़ी बुझ जाती है और फिर अंधेरा और गहरा हो जाता है थोड़ी सी खुशी मिली आदमी पागल हो जाता है थोड़ी सी दौलत आ जाए दिमाग खराब हो जाता है थोड़ी सी कोई पोस्ट मिल जाए अकल बेच के खा जाता है संसार बुरा नहीं है पर संसार की पकड़ बुरी है यही पकड़ तुमसे तुम्हारा चैन और नींद सब छीन लेती है रहो संसार सब जिम्मेदारियों को पूरा करो सब काम करो पर दिल से ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरा सिर्फ परमात्मा है और कोई नहीं तो कई साल पहले दस ग्यारह साल की होंगी जब ये प्रार्थना की थी कि अपनी राह पे रखना अपनी छाव में रखना अपनी बना के रखना ये बात सच है मैं अपने अनुभव से कह रही हूं उसने रखा उसने अपनी छाओ में रखा उसने ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन कराए कि जिनको मिलके देख के सहज ध्यान लग जाता जिनके पास बैठते ऐसी वैराग्य की मूर्तियों का दर्शन कराया उसने कि जिनको देख के मन में वैराग्य जग जाए और ऐसे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी, महात्मा मिले कि जिनके पास बैठ के मन के सब पेच उसने खुल दिए मैं कौन हूं बता दिया माया क्या है समझा दिया जीव क्या है बता दिया ईश्वर क्या है बता दिया सारे भेद खोल करके रख दिए अज्ञान उठा करके रख दिया और जीवन को मस्ती से जीना जिसने सिखा दिया तो ये मैं अपने अनुभव से कहती हूं देता है जो मांगते हैं